قدیم زمانے میں کشمیر ناگاؤں سے بھری ایک جھیل تھی، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ یہاں طرح طرح کے قبیلے رہتے تھے۔ داستان ہیمال ناگراج اسی زمانے کی کہانی ہے۔ علی جان، علی جان، اوہ کہاں چلے گئے؟ بابا نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ کہاں گئے؟ شہر گئے ہیں۔ کب آئیں گے؟ پتہ نہیں۔ اچھا، کوئی تمہارے گھر ملنے آیا تھا؟ نہیں۔ کوئی نہیں آیا؟ نہیں۔ بابا جب آئیں گے مجھے بتانا۔ ٹھیک۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی شخص ہمارے گھر پہ نظر رکھے ہوئے۔ گھر کے لوگوں کو عجیب عجیب قسم کے لوگ گھر کے آس پاس منڈراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کل تو حد ہی ہو گئی، میرے بیٹے کو کسی کا سگریٹ کا پیکٹ ملا۔ کہاں؟ ہمارے گھر کے باہر، میرا مطلب ہے ہمارے گھر کی سرحد کے اندر ہی، باغیچے کے کونے میں پڑا ہوا تھا۔ یعنی کہ گھر کے اندر؟ ہاں بالکل گھر کے اندر۔ لیکن تم اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ کسی اور آدمی کا پیکٹ ہے؟ ہو سکتا ہے کسی گھر والے کا ہی پیکٹ ہو۔ سنیل، ہمارے گھر میں کوئی سموک نہیں کرتا، اور پھر یہ بات تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ بابا کے رہتے ہمارا گھر ایک درگاہ کے جیسے ہے، اور کام کاج کرنے والے لوگ اس طرح کی غلطی بھول سے بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس طرف کی فینسنگ جو ہے وہ تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہے، اسی لیے میرا یہ شک پختہ ہے۔ کل سے تو سارے گھر میں دہشت پھیلی ہوئی ہے سنیل۔ ارے بابا کے ہوتے تم لوگ اتنا کیوں گھبرا رہے ہو؟ خیر یہ بتاؤ بابا کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہیں گے، بس ہمیشہ کی طرح لیکچر۔ بزدلوں کی طرح بات مت کرو، مشکلیں تو زندگی میں آتی ہی رہتی ہیں، ڈرنا بزدلی کی نشانی ہے۔
अरे घर से बाहर निकल के देखो, दूसरों का दर्द तुमसे कहीं ज्यादा है। बड़ी किस्मत वाले हैं आप लोग जो आपको बाबा की छत्र छाया में पनाह मिली हुई है। अरे बाबा तो ज्ञान का सागर है। इल्म से जान नहीं बचती है सुनील। जब घर में छोटे छोटे बच्चे हों, जवान बहू बेटियां हों, तो इस तरह की हादसों से डर लगता ही है। लेकिन ये आप लोगों को ऐसा क्यों लगने लग गया? कोई खास बात या हादसा जो इससे लिंक रखता हो? नहीं, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है। हाँ, कोई एक हफ्ता पहले सुरैया भाभी को लेके बखेड़ा खड़ा हुआ था घर में। लेकिन छोड़ो यार उस बात को। फिर भी बोलो। नहीं सुनील, तुम तो जानते ही हो कि सुरैया भाभी के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अगर बाबा को पता चल गया कि मैं तुम्हारे पास यहाँ इस मामले में बात करने आया हूँ तब तो। इकबाल, मैं सिर्फ क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर ही नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे घर का एक मेंबर भी हूँ। शायद तुम ये भूल गए हो, बाबा सिर्फ तुम्हारे बाबा ही नहीं है, वो हमारे कितने पूजे हैं तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो सब तो ठीक है सुनील, लेकिन तो मुझे हक बनता है ये सब जानने का। भाई मुझे मालूम होना चाहिए आप लोग किस परेशानी में फंस गए हो। कुछ दिन पहले सुरैया भाभी की एक अजीब सी फ्रेंड आई थी बंबई से। तब से पहले तो हमने उसका जिक्र तक नहीं सुना था। खैर, रात होते ही पुलिस वाले पहुंच गए हमारे घर। कहने लगे कि बंबई की क्राइम ब्रांच से आए हैं। अच्छा, क्या अशरफ आए थे उनके साथ? नहीं, कोई मिस्टर बी मेहता थे। कहने लगे कि किसी पागल क्रिमिनल की तलाश में है। मगर तुम्हारे यहाँ क्यों आए थे? उन्होंने एक फोटोग्राफ दिखाई और जानते हो वो फोटो भाभी की सहेली से हूबहू मिलती थी, और भाभी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो उस फोटो वाली लड़की को जानती तक नहीं है। यानी कि सरासर झूठ बोल दिया। सरासर झूठ बोला, जबकि वो लड़की उस वक्त हमारे ही घर में मौजूद थी। ऐसे और तो और बाबा ने भी कुछ नहीं कहा, सब खामोश रहे। मुझे तो लगता है ये सारी अजीबोगरीब हरकतें उसी दिन से शुरू हुई। वो लड़की अब कहाँ है? पता नहीं, न जाने कहाँ गायब हो गई। क्या नाम बताया उस पुलिस ऑफिसर का? मिस्टर बी मेहता। बी मेहता, ठीक है, तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, मैं पता लगवाता हूँ। सुनिए, एक वादा करो, बाबा को इस मामले में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अरे नहीं यार, सवाल ही नहीं उठता। वो घर तुम्हारा कम है, मेरा ज्यादा। मैं अपने लेवल पे तहकीकात करूंगा। यू डोंट वरी, रिलैक्स, जाओ घर जाओ। थैंक यू सुनील। ओके, थैंक यू। हेलो अशरफ। हाँ भाई, क्या हाल है? हाँ भाई, सब ठीक है। अच्छा यार, एक बात बताओ, तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई मिस्टर बी मेहता नाम का आदमी है? नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। कोई टीम आई थी क्या पिछले दिनों? नहीं, कोई नहीं, कई महीनों से कोई नहीं आया। और बात क्या है? नहीं, बात कुछ नहीं है, आई जस्ट वॉन्टेड टू चेक हिम आउट। किसी ने मिस्टर मेहता का रेफरेंस दिया था। यहाँ कोई आया होता तो मुझे जरूर इतला होती, यहाँ कोई नहीं आया। अच्छा ठीक है, सॉरी यार, थैंक यू। मिस्टर मेहता कौन हो सकता है? अलीजान, अलीजान कहाँ चली गई सब लोग? ताला पड़ा है, लो चली गई। क्या हो रहा है? सुरैया भी नहीं आई आज, पता नहीं क्या बात है, बहुत डर लग रहा है मुझे। फोन भी काम नहीं कर रहा, कैसे बुलाऊं सुरैया को? Oh.
लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। इनसे बचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, इसे मैं किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। सुरैया, कल रात पूरी खिड़की के बाहर किसी के पैरों के निशान थे। उन्हें फॉलो करती हुई मैं उस पेड़ तक पहुंची, वहां भी वैसे ही निशान थे और किसी के सिगरेट का पैकेट भी था। लगता है उस पेड़ के पीछे छुपा कोई मेरी निगरानी कर रहा था। चौकीदार उसकी फैमिली भी कहीं चले गए हैं। लगता है शायद वो भी डर गए हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है सुरैया। चलो तुम मेरे साथ चलो, छुप कर निकलेंगे। सुरैया, तुम मेरे लिए इतना कर रही हो, कभी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? लोग कहते हैं मैं पागल हूँ, पागल खाने से भागी हूँ। वहाँ मेरा रिकॉर्ड भी है, लोगों पे कातिलाना हमले करती थी। डर और तुमसे नूतन, तुम अगर सचमुच में खूंखार पागल भी होती तो मैं फिर भी तुम्हें इतने ही प्यार से रखती। और फिर तुम तो मेरे बचपन की प्यारी सहेली हो। वैसे भी अब मुझे किसी बात से डर नहीं लगता। सुरैया, चलो तो मेरे साथ चलो, छुप कर निकलेंगे। यहाँ से एक और जगह भी है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। यहाँ पाताल में हमारे कुल देवता ईष्ट देवता का वास है। कहते हैं नागमणि की आराधना से इच्छित सब सुखों की प्राप्ति होती है। हे नागमणि, मैंने परसों बरस तुम्हारी आराधना की है। हे नागमणि, अब मैं पाताल से मुक्ति चाहता हूं। तुम नहीं जानती ये शांति निशब्द कभी कभी बहुत डरावना होता है, जैसे कोई तूफान आने वाला है और उसके आने के पहले का ये निशब्द। मन बहुत घबरा रहा है। महाराज अगर पृथ्वी पर नहीं गए तो किसी के पास भी नहीं आए हैं, एकांतवास में हैं, जैसे जैसे हम सबसे रूठ गए हैं। 3 दिनों से भला एकांतवास में क्या कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे हो, कम से कम तुम्हारी पृथ्वी पर तो नहीं गए ना? मेरी पृथ्वी? यंग कर रही हो, क्रोधित क्यों हो रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपने आप को क्रोध की अग्नि में जला रही हो? क्यों, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या आने वाले भयंकर भविष्य के प्रहार तुम तक नहीं पहुंच रहे हैं? आश्चर्य है कि आप कुछ भी अनुभव नहीं कर रही हैं। मेरा सारा बदन कांप रहा है घबराहट से, रोम रोम सिहर उठा है। सांस भी मुश्किल से आ रही है, लग रहा है जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। देखो देखो मेरा शरीर कितना ठंडा पड़ गया है। छोटी रानी, तुम इतना डर रही हो एक अनहोनी की कल्पना मात्र से? अपने सर्वनाश के उस भयंकर स्वप्न से जो अब साकार होता सा दिखाई दे रहा है,
क्या आपको कुछ नहीं दिख रहा? इतना निशब्द है तो तुम्हें कहां से कुछ सुनाई दे रहा है? निशब्द, ये निशब्द कितना डरावना है। बस बस, यही तो उस तूफान के संकेत है जो हमारे सर्वनाश की ओर उमड़ पड़ा है। अगर हमने जल्दी ही कुछ ना किया तो हमारा विनाश अटल है। तुम्हारी बातों से मेरा बदन भी सिहर उठता है। चुप हो जाओ, धीरज रखो, शायद ये तुम्हारा भ्रम हो। भ्रम है? तो महाराज कहाँ है? अरे पाताल में ही तो है। मगर कहाँ? कहीं भी हो मगर पृथ्वी पर तो नहीं गए ना। मगर यहाँ किसी के पास भी तो नहीं आए हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि 3 दिनों तक इन्होंने ना कुछ खाया है ना पिया है, ना किसी से मिले हैं ना कुछ बोले हैं, एकांतवास में चले गए हैं। आज एकांतवास में चले गए हैं और अगर कल, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? डर लगता है तुम्हारी बातों से। ये दासी कहाँ गई? उसे भेजा था सब भेद पता लगाने के लिए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। नहीं, अब शब्द मत बोलिए, कभी कभी सच हो जाते हैं। महाराज न जाने कहाँ है। प्रभु, मुझे पाताल से मुक्ति दो। प्रभु, मुझे पाताल से मुक्ति दो। मुक्ति दो प्रभु, मुक्ति दो। कहाँ जा रही हो? मेरा मन बड़ा व्याकुल है, अंतस्थल जा रही हूँ। क्या, कैसी बातें कर रही हो छोटी रानी? वहां जाना क्या सरल है? बहुत तप करना पड़ता है। प्रयत्न तो कर सकती हूँ। छोटी रानी, ज्योति चलानी होगी।
महारानी, छोटी रानी भी अंतःस्थल की ओर चली गई है। क्या मूर्ख है, अंतःस्थल को यूं ही जा सकता है क्या? घोर तपस्या करनी पड़ती है। जाओ उसे फौरन बुला कर लाओ। बच्चों को शयन गृह में भेज देने का आदेश भेजा था बड़ी रानी, ये आप क्या बात है, रोगग्रस्त है या चिंतित? मंचली रानी, क्या तुम्हें कुछ पता नहीं लग रहा? क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि अनर्थ होने वाला है? अनर्थ? छोटी रानी ने चारों ओर आतंक फैला दिया है। पहले तो मुझे ये उसका भ्रम लग रहा था, मगर अब मुझे भय लगने लगा है। सुनो सुनो वो गर्जन, वो घंटे घड़ियाल, अभी सुना है ऐसा? हाँ सुन तो रही हूँ, कई दिन से सुन रही हूँ ये चर्चा। गुरुजी कह रहे थे किसी तपस्वी की घोर तपस्या की गर्जन है। अनंत क्यों कह रही हैं आप? शायद किसी को प्रभु दीक्षा मिलने वाली है। किसी को नहीं, स्वयं हमारे महाराज को। महाराज निर्जला व्रत रख के अंतस्थल में चले गए हैं। सच? हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है। सौभाग्य? मंजली रानी, क्या कभी तुमने सोचा है कि नागराज वरदान पाकर हम सबको छोड़कर चले गए तो? क्यों, वो ऐसा क्यों करेंगे? तुमने देखा नहीं, वो हम सबकी ओर से पाताल लोक से कितने उदासीन हो गए हैं। घृणा तो नहीं कहूंगी मगर स्नेह नहीं रखते। छोटी रानी का विश्वास है कि वो निश्चित रूप से हम सबको छोड़कर जाने वाले हैं। प्रभु, ये कैसी मूर्छा सी आ रही है प्रभु। प्रभु मैं मूर्छित नहीं होना चाहता। यहाँ तक आकर वापस नहीं जाना चाहता प्रभु। प्रभु तुम्हारे दर्शन किए बगैर मैं अपने प्राण नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे दर्शन किए बगैर मैं अपने प्राण नहीं छोड़ूंगा प्रभु। प्रभु मैं उचित नहीं होना चाहता प्रभु। कोई मुझे बचा लो प्रभु। प्रभु